तुम लोग का सीन दिखाओ, मीरा की ना अगली हेडलाइट तोड़ दी बच्चों, बहुत बुरा सीन हुआ बड़ा, शायद मैं दिखाता हूँ, ठहरो अभी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? सो अभी 5 मिनट पहले मैं आया हूँ स्कूल से होकर। आज भाई हसन की साइकिल उठा रही है, उन्हें साइकिल पे आ गई, बेचारा वहाँ साइकिल ढूंढता रह गया, अब घर आया हूँ उसे साइकिल लेकर गया, तो यार बता कर ले जाके साइकिल। सो अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में बदलने कपड़े, वजू करना है और नमाज पढ़नी है जाके दोपहर की। आजकल व्लॉग्स थोड़े से शॉर्ट रख रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा ना आप लोग भी व्लॉग देखो, क्योंकि अक्सर जो लंबे व्लॉग होते हैं ना उसके अंदर थोड़ी सी चुस्त वजी होती है, ठीक है। तो उसमें मैं कुछ ऐसे ऐसे सीन रख रहा हूँ जो मेन हो, यामिन के देखने मज़ा भी है और कुछ अजीब से हो, यामिन के स्किप करना ना पड़े आपको, यामिन के आप लोग भी बड़े मजे से देखते रहो। सो अभी बातचीत खत्म करते हैं, अभी हम पढ़ते हैं, आमिन चलते हैं नमाज के लिए, और आपसे भी मुलाकात होती है हमारी आमिन के रास्ते में मस्जिद की तरफ। तो जी अल्लाह। तो वो इस वजू करके हम लोग निकल गया सुनत बजे, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में जमात खड़ी हो जानी, इससे पहले जमात खड़ी हो हम लोग पहुंचते दस्ती दस्ती एज सून एज पॉसिबल मस्जिद के अंदर। वही अभी हम लोग कहते हैं नमाज पढ़कर हो चुके हैं फारिग, तो अभी मेन गोल ये है कि जाना हम लोग ट्यूशन, ट्यूशन से फारिग हो गए, 2-3 काम और है वो भी करने हमने, आज दुकान में नहीं जाना, अफ्तारी होगी हमारी आज घर, ठीक है। अफ्तारी आज मेन कर करनी क्योंकि स्कूल से काम मिला, और ऊपर से लाइव स्ट्रीम करनी हार्ट के सर्वे में, अगले मुझे 3 दिन से कह रहे हैं, मैं गेड़े करवा रहा था उनको, तभी चलते हैं घर, घर जाकर खाते हैं बुक्स वगैरह तैयार करते हैं, चलते हैं ट्यूशन। वो इस दुनिया का जो मस्जिद है जिससे हम लोग आ चुके हैं वापस, सो हमारे पास में कहते हैं इस पर टाइम कम, वैसे मेरा छत पे जाना दिल कर रहा है, छत पे ना थोड़ा सा छप्पर वगैरह लगा कर आते हैं। सो लेट्स गो एंड ट्रांजिशन पे करते हैं, टोपी कर रहे हैं बाबा, बच्ची मेरे टोपी पहन लेते हैं, बाबा सही टोपी पहनते हैं और ट्रांजिशन वाले भी ट्राई करते हैं। 3, 2, 1 देखा कैसी लगी ट्रांजिशन तुम लोगों को भाई, छत पर आ चुके हम लोग इस वक्त। तो पीछे तुम लोग कैसा देख सकते हो, अभी धूप धूप निकली हुई है, कल बहुत मौसम प्यारा हुआ था, ठीक है, लेकिन डर भी बड़ा लग रहा था कल, जिस तरह गड़ गड़ करके बिजली चमक रही थी ना भाई, बंदे का दिल तो अब डर ही जाते हैं। सो बाय द वे अभी अब टोपी उतारते भाई, गर्मी इतनी लग रही है, सर गर्म हो रहा है, और तकरीबन 10 मिनट डायर ट्यूशन जाने के अंदर, और हमारे पास जो आज है ना एक प्रोजेक्ट, ठीक है। आज मैं चाह रहा हूँ कि ब्लॉगिंग को ना थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके जाए, जिस तरह ये ट्रांजिशन मैंने किए ना, इस तरह की ट्रांजिशन वगैरह कुछ वगैरह हम लोग अलग अलग नेक्स्ट अलग अलग चीज़ें ट्राई करें, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए बनाने के अंदर, एडिटिंग के अंदर मज़ा बड़ा आता है यार आज, लेकिन कुछ बंदे उसको कहते हैं बहुत समझते हैं, लेकिन एडिटिंग के अंदर आप मन लगा के करो ना मज़ा बढ़ाता है। सो अभी चलते हैं ट्यूशन, और आपसे मुलाकात होती है बिल्कुल 2 घंटे के बाद। तो वो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं ट्यूशन, वो तैयार हो गए हैं, ये खड़ी अपनी मीरा भाई, मीरा तुम लोग का सीन दिखाओ, मीरा की ना अगली हेडलाइट तोड़ दी बच्चों, बहुत बुरा सीन हुआ बड़ा, शायद मैं दिखाता हूँ, ठहरो अभी, ये वाली इसकी ना ये वाली हेडलाइट तोड़ दी है, ये देखो, ठहरो यार यहाँ से उतारना पड़ना है मुझे कपड़ा, ये देखो सारी हेड सारी, मैं क्या बोलूँ उनको, ये तोड़ दी हुई है, क्या ही कर सकते हैं हम लोग इन बच्चों का। तो अभी चलते हैं हम लोग घर, घर के नोटिशन, और फिर आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर। अभी छत पे जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, एक तो आप लोग देख रहे हो मिनट मिनट में मैं छत पे पहुंच जाता हूँ भाई, मोमबत्ती इतनी है छत से नहीं यार, तो मसला ये नहीं छत ना क्या नाम है एक तरह से यार, तो ऊपर बड़ी सांस चल जाता है, खुल जा, अरे मेरे भाई खुल जा, खुल जा, मौसम और ठंडी ठंडी हवा जा रही है यार, यही तो मौसम मज़ेदार होता है पूरा। अब कोई एंगल लेते हैं सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए, अब कोई एंगल समझ में आया है ना तो सिनेमैटिक शॉट लेने की ट्राई मारते हैं, हो देखते हैं क्या करते हैं, सिनेमैटिक शॉट लेते हैं कि नहीं। तो बॉयज अभी हो गया नमाज असर का वक्त, इस वक्त जल्द मुझे पहुँचना पड़ेगा क्योंकि टाइम में लेट हो चुका है, जमात खड़ी हो चुकी है, इससे पहले हम और लेट हों जल्दी पहुँचते हैं मस्जिद के अंदर। भाई जान अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहते हैं नमाज़े असर पढ़ कर फारिग हो चुके हैं, इस वक्त
अभी जाना हम लोगों ने दुकान पर, अभी मंगवाते अपनी राइड, कल वाले राइडर को कॉल करते हैं यार, वो बड़ा नाइस राइडर था, उसके साथ दोबारा जाना है, तो करते हैं उसको कॉल और चलते हैं हम लोग दुकान पर। तो वो अभी अबासी साहब और मैं तैयार हो चुके हैं, आज अबासी साहब को भी मना लिया हमने दुकान पे लेके जाने का। अच्छा अबासी साहब ये बताएं आज आपके तासुरात कैसे हैं दुकान पे जाने के? कुछ भी नहीं, वैसे ही है जैसे पहले जाते थे। भाईजान नहीं यार, अब सारी आपकी दुकान पे हो गया है, रोज घर करते थे। हाँ ठीक है। तो भाईजान कल वाले जो राइडर थे उनको आज हमने बुलाया दोबारा, देखते हैं कब तक भाई आते हैं, और उनके साथ ही हमें जाना है शॉप के ऊपर। भाईजान जैन भाई के साथ इस वक्त हम लोग बैठ चुके हैं, और पीछे मेरे साथ अबासी साहब मौजूद है। अबासी साहब मुझे एक बात बताएं कि आज आप कैसे पैसे डालेंगे? ये खुदा का करनी है जी, इसको इतने दिन से मना रहा हूँ, चल जा नहीं आज स्पेशल आया, चले रहे हैं दुकान से, मेरे का बिस्मिल्ला आ जा। ना ना ये बात नहीं थी, मैंने कुछ फोर्स नहीं किया, पीछे से हेड ऑफिस ऑर्डर आया और मैं चल पड़ा। भाई हेड ऑफिस तेरा कौन सा है ये बता, है एक बात बता, हेड ऑफिस कौन सा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। माय फादर। ओके 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 समझ सकिए। तो भैया अभी हम लोग पहुंचते हैं दुकान के ऊपर, और रास्ते में कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं, और आप लोग एंजॉय करो, हम लोग जरा दुकान पे शॉट्स हैं लगा दो। जनाब अली हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त दुकान के ऊपर, इस वक्त ऐसा बाकी आप पीछे पीछे मांगे आगे। अस्सलाम वालेकुम, ने भी चाट और मैंने अपना समोसा मंगवा लिया है, और रोजा खोलने में तकरीबन 5 या 6 मिनट रह चुके यार। साहब भाई ना करो यार, ये थी 12 बजे कुछ नहीं था। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे तो कहते हैं कि चिड़ है? नहीं मतलब तो सही लग रहा है, एक बार बताए तो नहीं ना मैंने तो अपना खाना पीना भी हम शुरू करते हैं, फुल मुसलमान बने पड़े हैं, दुआएं मांग रहे हैं। हम लोग इफ्तारी और इफ्तारी के बाद मुलाकात होगी आपके लिए। भैया हमारी इफ्तारी हो सकती है, लेकिन ये देखें इस बंदे की इफ्तारी कभी नहीं खत्म हो सकती है, ठीक है? ये बंदा खाता है, खाता ही रहेगा सारे दिन। ये क्यों भाई, इतना भी गुड फॉर हेल्थ नहीं होता कि आप खाई जाओ तो बाय द वे अभी आप क्या कहते हैं, जाते हैं जरा मार्केट पे, क्योंकि मुझे लेना है सामने उनका जेनवन चार्ज यार, चार्जर दूसरा इस्तेमाल करो, नहीं ये सही लग रहा, तो अब देखते हैं कब तक इतने चार्ज। बशर भाई प्लास खान भाई अभी कुल्फा आइसक्रीम मंगवा के उसके ऊपर डेकोरेशन करके हटे हैं अभी हम। अबाजी साहब ने अपना कलाकारी दिखाई है, आइडिया मेरा था, कलाकारी अबाजी साहब ने दिखाई है, इसको मैंने तैयार किया है, ये अबाजी साहब ने तैयार किया। भाई साहब कैसी लगी? दोनों भाई ने ला के दी सारा काम, भाई नहीं प्लास कर रहे, ये प्लास कर रहे भाई जान। अभी हम लोग अपनी आइसक्रीम खाते हैं, फिर अबासी साहब को लेके जाते हैं घर के ऊपर, ईशा के नमाज में वक्त हो जाना है, और तरावीह भी पढ़नी है। तो बॉयज हम दोनों अभी फारिग हो चुके हैं, रात के बज चुके हैं तकरीबन 10, पर अबासी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उसको बड़ी नींद आ रही, मेरी भी आँखें बंद हो रही हैं। तो आज मज़ा बड़ा किया हम लोगों ने, बहुत खेला होता इधर उधर फिरते रहे, अभी जाके बाइक पकड़ते हैं
और घर जाते, घर जाके फिर करेंगे, घर जाके अब करेंगे ब्लॉग को एंड। क्यों बस बिल्कुल नहीं, नहीं अब क्या चाहते, पूरा पूरा हफ्ता में इकट्ठा ब्लॉग बनाऊंगा। हाँ हाँ लागी साहब है। बॉयज आई थिंक आज का व्लॉग आप सबको ही पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नाजमी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। रात के 11 बजने वाले और मैंने अभी तक व्लॉग नहीं एडिट किया, नींद से बुरा हाल पड़ा। व्लॉग पहले एडिट करते हैं क्योंकि आप लोग पहले, फिर बाकी काम बाद में। सो आई थिंक आज का व्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चाहे मैं नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देने का। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।